जो मेरा फर्स्ट मील होता है ना वो गाइस ये है। सबसे पहले तो मैं एक पैक पीता हूँ सुबह उठते ही, तो ये कॉफी शॉट होते हैं भाई। तो ये कॉफी है, तो यहाँ से हम उठना शुरू करते हैं। लेग वर्कआउट करेंगे भाई साहब, आज लंच डे है तो लेग वर्कआउट शुरू करते हैं। जाकर आपको पूरा वर्कआउट दे पाऊंगा और जिम में आ चुका हूँ। और भाई मैच में देखो वर्कआउट भी ऐसा जबरदस्त माउंट है ना आज लेग का, और जाके बल फुल बढ़िया नहीं ठीक है चलते। तो भाई स्ट्रेचिंग वगैरह तो कर ली है और स्ट्रेचिंग में ही काफ़ी पसीना आ गया। इसके बाद हम शुरू करेंगे अपना नॉर्मल वर्कआउट जो एक्चुअल होना चाहिए। इसमें एक्सरसाइज रहेंगी 4 या 5, तो भाई मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या एक्सरसाइज रहेंगी। तो चलते हैं अंदर वर्कआउट करने, चलते हैं गाइस लेग्स वर्कआउट। Hey.
तो भाई वर्कआउट करके आ गए हैं घर पे। लेग वर्कआउट था आपको पता ही है। अब लेंगे अपना पहला मील। ये बॉडी कंडीशन है आप देख सकते हो, और लेग तो पहला मील लेंगे, इसके बाद बल्किंग मील आपको दिखाता हूँ गाइस। तो गाइस मील नंबर वन ये जग है, ये आप देख सकते हो भाई, इसमें जगत की कैलरीज हैं, बहुत ज़्यादा कैलरी मील है आई थिंक, ज़्यादा नहीं ना, तो ये 1000 कैलरीज तो इसके अंदर पक्का ज़रूर होंगी, क्योंकि इसमें चार तो होल एग भी हैं। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, मैं लिख दूंगा, मेरे को तो याद भी नहीं है मैंने क्या क्या डाला है इसमें। तो गाइज़ ये पहला मील है, ये जाएगा अंदर। गाइज़ देखते हैं, कूड़े वाली गाड़ी भी आ गई है। थैंक यू गाइज। तो गाइज़ पढ़ाई शढ़ाई कर लिया, इसके बीच में अब एक बार हम एक मील लेंगे, जिस मील में होगा हमारा ये आप देख सकते हो। इसमें है हमारा मतलब रोटियाँ हैं, इसके साथ हमारा कढ़ी की सब्ज़ी है, और साथ में थोड़ी सी आलू और गाजर की भी सब्ज़ी है। इसके साथ और भी चीज़ें हैं, वैसे तो मैं दही भी लूँगा, अभी फ्रिज में रखे हुए मैं लूँगा उसमें। और ये स्नैक है यानी कि पीनट्स हैं। तो गाइज़ ये मील टू रहेगा, ये भी हाई कैलोरी मील तो नहीं है इतना, पर इट्स अ गुड मील। और आगे बढ़ते हैं गाइज, इसके बाद फिर से पढ़ने बैठना है मील लेते ही। तो गाइज़ दो बल्किंग मील्स तो मैं ले चुका हूँ, अभी टाइम हो गया है 1:10 हो चुके हैं। एंड गाइज दोबारा पढ़ने बैठ रहे हैं अब हम, और बीच में थोड़ी देर रुके थे जस्ट बिकॉज खाना खाना था और मील लेना था अपना, तो बीच में रुके थे, अब दोबारा से पढ़ने बैठ रहे हैं। एंड गाइज यही है बस, अपने में रहो, स्टे अलोन यार, कुछ भी नहीं है, बस अपने पे ध्यान दो, पढ़ाई करो, अपना जिम करो, मस्त खाओ पियो। एंड गाइज बस चलने दो, बाकी आप फिजिक देख लो, बाइसेप। ठीक है गाइज, तो अब करते हैं पढ़ाई थोड़ी देर, एंड देन आपको दिखाएंगे कि तीसरे मील में हम क्या खाएंगे। इसके बाद शाम को बताता हूँ फिर क्या रहता है। देख सामने, देख देख देख, ये काम ये कौन है, ये कौन है, पीछे मम्मी की भी आवाज आएगी, लड़ाई हो जाएगी। तो गाइज़ आपको लग रहा होगा कि ये मील क्या है, तो गाइज़ इस मील में दो ब्रेड हैं, ब्रेड के साथ मतलब मॉडर्न मील भी है और कुछ ना कुछ इसमें देसी भी है, देसी मतलब मलाई। तो हम ये ब्रेड को हटा के इसके बीच में मलाई लगा देंगे, एंड देन ये होगा हमारा मील थ्री। ये देखो गाइस, बस ऐसे लगाया इसको, किया बंद, तो पूरे में फैल जाएगा ही अंदर। ये है भाई मील, दी बेस्ट बल्किंग मील्स मैं आपको दिखाऊंगा आज। अगर आपके घर में मलाई है या आपके घर में मक्खन है, तो दो ब्रेड लो, भरो और उसे खा लो भाई साहब। तो गाइस मैं ये बताना भूल गया था कि मैं पूरा दिन ये भी लेता हूँ साथ में, ये जग है, इसके आई थिंक 3 जग पी लेता हूँ मैं पूरे दिन में, तो वाटर इनटेक भी ओके रहता है मेरा। बट तो बल्किंग अब सही जा रही है, मतलब लग रहा है बराबर ऐसा फील हो रहा है। तो वैसे भी ये मिला चौथा, इसमें देख लो भाई क्या है,
सिर्फ पुलाव है, मतलब सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसके अलावा ज़्यादा प्रोटीन इस मील में तो है नहीं, ज़्यादा क्या इसमें है ही नहीं प्रोटीन, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो बस यही था, तो मैंने ये ले लिया, बाकी सोयाबीन में लेता था साथ, बट अभी आज बने नहीं हुए थे, तो नेक्स्ट मील दिखाता हूँ फिर। अब इसके बाद क्या होगी, बल्किंग है भाई साहब, ये भर चुका हूँ ऊपर तक। तो भाई चार मील के बाद अब ये पाँचवा मील है, जिसके अंदर है हमारा चिकन ब्रेस्ट, 250 ग्राम्स चिकन ब्रेस्ट है, जो कि हम ग्रीन चिक चौक से मैं लेता हूँ हमेशा, और इसके अंदर काफ़ी अच्छा खासा मेरे को प्रोटीन मिल जाता है। तो अभी काफ़ी मील्स हमने कार्बोहाइड्रेट वाले ले लिए हैं, तो अब ये प्रोटीन मील लेंगे। पीछे मेरा भाई अर्जुन है, ये डेली दे देता है मेरे को, मतलब मैं डेली ही लेता हूँ इससे ये चिकन ब्रेस्ट। सो गाइस ये मील ख़त्म करते हैं, फिर इसके बाद आगे बताते हैं क्या करना है। मेरे को तो खुद भी नहीं पता था कि मैं इतना खा सकता हूँ यार। पाँचवा मील है भाई, और पाँचवें मील में अब आएगा हमारा चिकन ब्रेस्ट 250 ग्राम, उसके साथ आएगा हमारा दो अंडे का एक ऑमलेट है वो। तो गाइज ये मील रहेगा, कैलरी डेंस भी हो जाएगा थोड़ा सा, और प्रोटीन का तो काफ़ी हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि दो पिछले दो मील कार्बोहाइड्रेट्स ही रहे हैं, एक सुबह वाला मील जो रोटियों वाला था, उसके बाद जो चावल वाला मील रहा है, और बीच में एक जो ब्रेड वाला था वो भी, तो तीनों ही मतलब कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा वो रहे हैं। सो अब हम प्रोटीन के लेंगे, ये मील होगा, इसके बाद एक मील और है जो प्रोटीन का ही है ज़्यादातर। तो गाइज उसके बाद हम दिन ख़त्म करेंगे, बाकी आज पूरा दिन ये मेरी स्टडी टेबल, यहाँ हम पूरा दिन पढ़ते रहे, मतलब तकरीबन तो पढ़ाई में ही चला गया सारा दिन, बाकी लाइक अच्छा दिन था मतलब वैसे पूरा देखा जाए तो। और गाइज ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल ज़बरदस्ती खा रहा हूँ, खाया नहीं जा रहा मेरे से, तो बहुत परेशान हो गया, और बस बल्किंग करनी है तो उसको ज़्यादा वो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मतलब बस खाने का मन है, मतलब मेरा अंदर से एक जील है टू ईट। खोल के दिखा रहा हूँ मैं, ऑमलेट है, ऑमलेट के साथ दो ब्रेड भी हैं, और दो अंडों का ये ऑमलेट है, इसके साथ ये चिकन ब्रेस्ट है। तो भाई ये मील है, अब इसको कंप्लीट करते हैं, पता नहीं बिना किसी चीज़ के साथ में खाया भी जाएगा नहीं, बस मैं खा लेता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं, तो शुरू करते हैं गाइस ये मील। बस मील नंबर 5 के बाद अब ये आ गया है मील नंबर 6। ये देख लो, रोटी है, एक कढ़ी की सब्जी वो सुबह वाली जो दिखाई, एक पनीर और शिमला मिर्च की सब्जी है, उसके साथ हमारी है थोड़े से चावल। अब ये मील है, इसके बाद मुझे लग तो नहीं रहा कि अगले मील की हिम्मत होगी, पर फिर भी एक मील अभी रखा हुआ है, अगर वो नहीं खाए तो सुबह तक ख़राब हो सकता है एग्स हैं उसमें, तो वो भी खाएंगे हम, बिल्कुल फट जाएंगे हम बर्किंग में इस बार। ये कंडीशन है भाई, आप देख सकते हो पूरा दिन आज खाया ही खाया है, और पढ़ाई की है, और पूरे करें तो ये कंडीशन है भाई, ये बल्क है। तो गाइस बाहर आ रही है बारिश, और व्लॉग आज का यहीं ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि हमने खा पी तो अच्छे से लिया है, बाहर की आवाज़ आप सुन सकते हो, इतनी मधुर आवाज़ आपको बारिश की आएगी। एंड गाइस तो मज़ा आ रहा है, बस सोने की तैयारी करेंगे, बाकी थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, तो रिविज़न का ही टाइम है, फिर इसके बाद मैं सो जाऊँगा गाइस। ओके गाइस, फिर बाय बाय, ख़त्म करते हैं व्लॉग, थैंक यू गाइस।